आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 14 जनवरी की ईश्वरी वरदान की। खुशी जैसी खुराक नहीं, और ये खुशी अगर कांस्टेंट हो जाए, सदाकाल की हो जाए, तो और चाहिए क्या है। लेकिन आज इंसान दो प्रकार से खुशी लेता है। एक होगी खुशी दुनियावी चीजों से कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मैंने जब ये खरीद लिया, जब मैंने ये पा लिया, जब मैंने उपाधि पा ली, तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी और मैं खुश। और दूसरा तरीका कौन सा होता है? एक तरीका ही होगा। दूसरे तरीके में इंसान बोलता है बस बहुत कुछ कर लिया, बहुत देख लिया, अब बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, जो है जितना है संतुष्ट हूं, जो आता जाएगा अपने आप आता जाएगा, मुझे बस अपने कर्म करते रहने हैं, मुझे कोई इच्छाएं नहीं रखनी है, इच्छा रख करके कर्म नहीं करना है, मुझे बस कर्म करना है और फिर बाकी बाद में जो होगा जैसे होगा उस समय देखा जाएगा। और वो सदा संतुष्ट रहते हैं बिकॉज उनके पास में मन खाली होता है, चिंता से मुक्त होता है। और जब चिंता से मुक्त होते हैं तो वो परमात्मा से, खुदा से, अल्लाह से, जीवा से, प्रकाश पुंज से, मेटाफिजिकल एनर्जी से, इन्फिनाइट पॉइंट ऑफ लाइट से, जैसे आप देख रहे हैं पीछे, उनसे वो जुड़े रह पाते हैं परम धाम में। ये दो चॉइसेस हैं। लेकिन आज हम पता करेंगे ये कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस क्या है, सदा की हैप्पीनेस क्या है और इसको कैसे कायम रखें। तो परमात्मा के खुद ही महावाक्य हैं, वो कहते हैं सुख के सागर बाप, परमात्मा अपने आपको पिता कह रहे हैं, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते हो भी सुख स्वरूप भवा। ये दुनिया क्या है? कलयुग। कलयुग मतलब दुख की दुनिया, धन का प्रॉब्लम, तन का प्रॉब्लम, मन बुद्धि का प्रॉब्लम, उसके साथ में संबंधों के साथ में इश्यूज हो गए आपके, फिर पॉलिटिक्स भी ऐसी, प्रकृति भी, पांच तत्व भी ऐसे अपवित्र हो चुके हैं, हवा पानी हर चीज गंदी हो चुकी है। तो हम कलयुग के अंतिम क्षण में आ चुके हैं। तो फिर इस अंतिम क्षण में, इस गंदी दुनिया से, छीछी दुनिया से, इसकी हालत बहुत खत्म हो चुकी है और आत्माओं की मनोस्थिति भी बहुत गिर चुकी है, ऐसी दुनिया से हमें क्या इच्छा रखनी खुशी की? बिल्कुल नहीं। ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा कि हाँ मुझे मेरे रिश्तेदार देखेंगे, मुझे मेरे साथी प्यार करेंगे, मुझे मेरे, मुझे चाहने वाले मुझे याद करेंगे, मुझे कर्म करने पर ये फल मिलेगा, या मुझे लोग प्यार करेंगे, मुझे नाम देंगे, मुझे शान देंगे, मुझे आराम देंगे, मुझे खुशी देंगे, मेरी सेवा करेंगे, मेरे को प्यार से बुलाएंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे। ये सारी इच्छाएं रखना मतलब कि परमात्मा से इच्छाएं नहीं है हमारी। और परमात्मा यही चाहते हैं कि कब छोड़ोगे सारी इच्छाएं, ताकि तुम सदा काल पे मेरे से कनेक्ट हो जाओ और सारी खुशी और सारी इच्छाएं मेरे से पूरी करो। तो परमात्मा कहते हैं सदा सुख के सागर बाप, सदा सुख के सागर, और इंसान और चीजें सदा सुख के सागर नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसलिए कौन? सिर्फ एक परमात्मा पिता या बाप। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन दुनियावी बातों की, चिंताओं की, इच्छाओं की स्मृति में रहो कि ये चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, इसने नहीं किया, तो कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसाइज करते रहेंगे और परमात्मा से दूर होते रहेंगे और सदा ही असंतुष्ट और सुख और खुशी खत्म। उसके परमात्मा कहते हैं चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, है कि नहीं है, आज आप चारों तरफ खोले, न्यूज खोले, चारों तरफ किसी न किसी देश में कुछ ना कुछ हो रहा है, चारों तरफ है, ये निशानियां हैं, किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा था चारों तरफ आपको युद्ध के नगाड़े, चारों तरफ आपको पांच तत्वों के तांडव, चारों तरफ आपको धर्म युद्ध दिखाई देंगे का प्रभाव हो। लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो। न्यारे मतलब हमें पता है ऑलरेडी, परमात्मा ने हमें बहुत पहले बता दिया है कि सारी चीजें होने वाली हैं। तो जब आपके सामने राज खुल जाते हैं, टेस्ट पेपर खुल जाते हैं, तो आपको चिंता नहीं होती है, नहीं होती है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने उसको सीरियसली लिया हो उस पेपर को, तो और प्यारे हो किसके? परमात्मा के। सुख के सागर के साथ हो इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो, नहीं तो फिर क्या है, चिंताओं के झूले में झूलने वाले हो। ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसने अभी तक करा नहीं, इसको कब तक समझाएं, ये करता ही नहीं है, ये करती ही नहीं है, ये होता ही नहीं है, ये बोलते ही नहीं है, इसने मैसेज नहीं देखा अभी तक, इसने अभी तक ये बात नहीं करी, और बस हम फिर उस झूले में झूलते रहे। ये तो परमात्मा की याद के झूले में झूलते रहे।
इसलिए परमात्मा कहते हैं मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। दुख की दुनिया से किनारा करना मतलब क्या है, यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, कर्म कर रहे हो और कर्म करके जितना आ रहा है आ रहा है, कर्म करके जितना प्राप्ति हो रही है हो रही है, लेकिन अगर बहुत इच्छा रख दी इस कलयुग की दुनिया से, ये कर लूंगा वो कर लूंगा ऐसा बना दूंगा वो करा दूंगा, तो फिर परमात्मा कहते हैं तैयार हो जाना कि वो इच्छाएं शायद पूरी हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो डिटैच न्यारा और प्यारा। फिर परमात्मा कहते हैं सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। सब रस्सियां टूट गई, अब ये रस्सियां क्या है, संबंधियों से रस्सियां जुड़ी हुई, इच्छाओं की, प्राप्तियों की, साथियों से हमारी जुड़ी हुई रस्सियां, इंसान से जुड़ी हुई है, दुनिया से जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट से इच्छा रखी हुई है, पॉलिटिशियन से इच्छा रखी हुई है, पुलिस से इच्छा रखी हुई है, चेयरमैन से इच्छा रखी है, पंचायत से, म्यूनिसपैलिटी से इच्छा रखी हुई है, आजू बाजू वालों से इच्छा रखी हुई है, और फिर क्या होगा, इच्छाएं जब पूरी नहीं होंगी किसी से भी तो फिर खुशी गायब। तो जिसने परमात्मा से सारी इच्छा रखी हुई है और सब चीजों से इच्छाएं रखी हैं, वो हर किसी की बातों का, हर किसी के व्यवहार का सहन करने का व्यवहार अपने अंदर बना लेता है, उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि उसकी कोई इच्छा नहीं किसी से। कलयुग में लोग बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा बातें करेंगे, लेकिन जब टाइम आता है प्रोड्यूस करने का, तो अगर वो नहीं आता है आपके सामने प्रोडक्ट या उसका प्रोड्यूस या उसका उसका फल, तो फिर वो इच्छाएं जब चक्राचूर होती हैं तो फिर अंदर तक चुभती हैं। उसने परमात्मा कह रहे हैं कि सारी इच्छाएं मेरे से रखो, दुनिया वालों से नहीं, तब आपकी खुशी बरकरार रहेगी। और गहराई से समझने के लिए इस चीज को कि हम उनसे कनेक्शन कैसे रखें, उसके लिए आपको राजयोग मेडिटेशन आके सीखना पड़ेगा ब्रह्म कुमारी सेंटर पर। इसके साथ ओम शांति।